देखो लक्ष्मी, मैं जानता हूं कि तुम क्या सुनना चाहती हो, लेकिन लक्ष्मी मैं वो कह ही नहीं सकता क्योंकि मेरे मन में वो है ही नहीं। मैं झूठ का दिखावा नहीं कर सकता। ये प्यार की जो फीलिंग होती है वो नेचुरली आती है, फोर्सफुली नहीं। आई नो लक्ष्मी, तुम्हें बहुत ठेस पहुंच रही है, बट मैं नहीं चाहता हूं कि ये रिलेशनशिप एक झूठ के बेसिस पे खड़ा हो, और मैं नहीं जानता हूं कि मुझे तुमसे कब प्यार होगा, और ये भी नहीं पता कि कभी प्यार कर पाऊंगा भी, प्यार कर पाऊंगा भी कि नहीं। सारे मर्द एक जैसे होते हैं, हम औरतों के बिना उनका गुजारा होता नहीं, और जब तक इस बात का एहसास नहीं होता तब तक मानते नहीं है कि वो हमसे प्यार करते हैं। इसलिए हम औरतों को अपने मर्द को ये एहसास दिलाना होता है कि उनकी जिंदगी में हमारी अहमियत क्या है। अंगद भाई, ये आपका नाश्ता। तू क्यों लेके आई है? लक्ष्मी नहीं आई? वो लक्ष्मी भाभी अपने काम में बिजी थी तो उन्होंने मुझे भेज दिया। ले लीजिए ना प्लीज। अंगद, क्या हुआ? नहीं वो कुछ नहीं, वो लक्ष्मी, पता नहीं। लक्ष्मी? इतना बेचैन हो कि तू लक्ष्मी को ढूंढ रहा है? नहीं वो कुछ नहीं, वैसे ही। जल्दी से ठीक हो जाइए ना, माँ घर में सबको खुश रखती है, लेकिन उनकी खुशी सिर्फ आप में है। आप जिस दिन माँ को पुकारेंगे ना, देखना उस दिन फूली नहीं समाएंगी वो। कहाँ जा रहे तुम? वो ऑफिस। ऑफिस? इन कपड़ों में? ब्लेजर नहीं, शूज नहीं। हाँ? मिलेगा तो पहनूंगा ना मासी, ना शूज मिल रहे हैं ना सॉक्स। क्यों? जो ब्लेजर पहनना चाहता था वो भी नहीं दिखाई दे रहा है, पता नहीं लक्ष्मी ने कहाँ रख दिया। कोई बात नहीं, चल मैं ढूंढ देती हूँ। चल। अरे नहीं मासी, जो पहना है वही पहन के चला जाऊंगा, इट्स ओके। अरे लेकिन शूज ब्लेजर कुछ तो चाहिए ना। मासी विदाउट शूज भी जा सकता हूँ ऑफिस, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं। माँ बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना? कुछ ज्यादा नहीं, देख धीरे धीरे लाइन पे आ रहा है अंकल। लेकिन माँ मुझ पे भरोसा है ना?